आज की वीडियो में हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग को स्टडी करेंगे। कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या है, कैसे काम करती है, व्हेन टू यूज़ कन्वीनियंट सैम्पलिंग, और फिर कन्वीनियंट सैम्पलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी स्टडी करेंगे। कन्वीनियंट सैम्पलिंग इज़ द टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नॉट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर रिसर्च और सैम्पल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वो सैम्पलिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नॉट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर रिसर्च, कि पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं सबका इक्वल चांस नहीं होता कि वो सैम्पल के लिए सिलेक्ट हो जाए या वो रिसर्च के लिए सिलेक्ट हो जाए। तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग इज़ अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन विच डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द कन्वीनियंटली अवेलेबल रिस्पॉन्डेंट्स। जैसे कि इसके नाम से ऑब्वियस है ना, कन्वीनियंस। कन्वीनियंट सैम्पलिंग के अंदर रिसर्चर उन रिस्पॉन्डेंट्स से डेटा कलेक्ट करता है जो कि कन्वीनियंटली अवेलेबल होते हैं, जो कि ईजिली एक्सेसिबल होते हैं, ऐसे रिस्पॉन्डेंट्स जो कि ईजिली अवेलेबल हैं, ऐसे रिस्पॉन्डेंट्स जो कि रिसर्चर के करीब होते हैं, जो कि उसकी वर्क प्लेस के करीब होते हैं, जो उसकी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, जो उसके स्कूल या कॉलेज के अंदर होते हैं। मतलब ऐसे रिस्पॉन्डेंट्स जो कि रिसर्चर के नियरेस्ट होते हैं, ईजिली एक्सेसिबल होते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं, रिसर्चर हमेशा उन्हीं रिस्पॉन्डेंट से डेटा को कलेक्ट करता है, उन्हीं को सैम्पल के लिए सिलेक्ट करता है। ये जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है ना, ये कहलाती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इस सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर जो रिसर्चर की कन्वीनियंस है ना, उसको टॉप प्रायोरिटी हासिल होती है, क्योंकि रिसर्चर इसमें देखता है कि जो रिस्पॉन्डेंट उसको ईजिली अवेलेबल है, कन्वीनियंटली अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रिस्पॉन्डेंट से रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करता है। अब यहाँ पर जो वर्ड कन्वीनियंस है ना, इसको आमतौर पर मिस इंटरप्रेट किया जाता है, इसको हमेशा गलत इंटरप्रेट किया जाता है, कि यहाँ पर कन्वीनियंस का मतलब रिसर्चर की ईजीनेस को लिया जाता है, कि यहाँ पे रिसर्चर अपनी ईजीनेस को देखता है, अपने लिए आसानी को देखता है, कि जो उसको ईजीली अवेलेबल है ना, कि सिर्फ वो उसी से डेटा को कलेक्ट करता है। बल्कि ये ट्रू नहीं है, यहाँ पे ईजीनेस ऑफ रिसर्चर ट्रू नहीं है, बल्कि यहाँ पे कन्वीनियंस का मतलब ये होता है कि रिसर्चर कन्वीनियंस सैम्पलिंग को उस वक्त सेलेक्ट करता है जब वो किसी दूसरी सैम्पलिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं कर सकता ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजंस। यहाँ पे ईजीनेस का मतलब ये है कि रिसर्चर उन रिस्पॉन्डेंट से उस वक्त डेटा को कलेक्ट करता है, या इस सैम्पलिंग टेक्निक को वो तब सिलेक्ट करता है जब वो किसी पर्टिकुलर रीजंस की वजह से किसी दूसरी सैम्पलिंग टेक्निक को सिलेक्ट नहीं कर पाता। मतलब किसी दूसरी सैम्पलिंग टेक्निक को जब वो यूज़ नहीं कर पाता, तब वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग को यूज़ करता है। तो यहाँ पे कन्वीनियंस का मतलब रिसर्चर की ईजीनेस नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्डेंट्स का ईजीली अवेलेबल होना है, या जो दूसरी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं उनका ईजीली अवेलेबल ना होना है, तब रिसर्चर कन्वीनियंस सैम्पलिंग की तरफ शिफ्ट होता है। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग को ग्रैब सैम्पलिंग का भी नाम देते हैं, अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग का भी नाम देते हैं, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग का भी नाम देते हैं, और चंक सैम्पलिंग का भी नाम देते हैं। इसके अलावा इसे हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग का भी नाम देते हैं। कन्वीनियंट सैम्पलिंग इज़ द टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच रिसर्चर कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम द कन्वीनियंटली अवेलेबल रिस्पॉन्डेंट्स। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग कब यूज़ की जाती है, या कब कन्वीनियंस सैम्पलिंग रिसर्चर चूज़ करता है? रिसर्चर कन्वीनियंस सैम्पलिंग को तब यूज़ करता है जब उसके पास एनफ रिसोर्सेज नहीं होते डेटा कलेक्शन के लिए या सैम्पल को सिलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके पास टाइम कम है, जब उसके पास टाइम कम है इसीलिए वो उन रिस्पॉन्डेंट्स को चूज़ करता है, सिलेक्ट करता है, जो उसके पास ईजिली एक्सेसिबल हैं या ईजिली अवेलेबल हैं, या जब उसके पास बजट कम है तो भी वो उन रिस्पॉन्डेंट्स को सिलेक्ट करता है जो उसके करीब हैं। जब पायलट स्टडी की जाती है ना, तो तब भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग को यूज़ किया जाता है। अब पायलट स्टडी क्या होती है, कि पायलट स्टडी आप तब करते हैं कि जब आपको शॉर्ट टाइम के अंदर कुछ रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, या आप किसी बड़ी रिसर्च को करने से पहले कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं, या जब ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, तब भी रिसर्चर कन्वीनियंस सैम्पलिंग को यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, कोविड 19 था। अब कोविड 19 के केस में क्या हुआ, कि
वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शन थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिसर्चर दूसरे सिटीज़ में नहीं जा सकता, वो ट्रैवल नहीं कर सकता, तो इसीलिए भी वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग को चूज़ करता है कि जो रिस्पॉन्डेंट उसके पास इजीली अवेलेबल है ना, वो उन्हीं से डेटा को कलेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे कन्वीनियंस का ये मतलब नहीं है कि रिसर्चर की इजीनेस, बल्कि यहाँ पे कन्वीनियंस का ये मतलब है कि जब रिसर्चर किसी दूसरी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ नहीं कर पाता, जब उसके पास टाइम कम होता है, जब उसके पास बजट कम होता है या ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो तब वो इस सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करता है ताकि उसको जो डेटा है वो कन्वीनियंटली मिल जाए, उसके रिस्पॉन्डेंट्स कन्वीनियंटली मिल जाए। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग के एडवांटेजेस ये हैं कि ये ईजी होती है, आप अपने जो इजीली एक्सेसिबल रिस्पॉन्डेंट्स हैं उन्हीं से डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत कम टाइम के अंदर आप डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि रिस्पॉन्डेंट्स आपके पास हैं, रिसर्चर के बिल्कुल करीब हैं, इसलिए ना तो ट्रैवलिंग के ऊपर टाइम लगता है ना कोई एडिशनल कॉस्ट आती है। ये ईजी भी है, बहुत कम टाइम के अंदर आप डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं और इसलिए यहाँ पर रिसोर्सेज भी बहुत कम चाहिए होते हैं। लेकिन कन्वीनियंस सैम्पलिंग के डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि सैम्पल्स आर नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे ये इसका एक ऑब्वियस डिसएडवांटेज ये है कि चूंकि आप ऐसे रिस्पॉन्डेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि आपके इजीली अवेलेबल होते हैं, इजीली एक्सेसिबल होते हैं, रिसर्चर के करीब होते हैं, अब यहाँ पे इस चीज़ का चांस होता है कि जो आपका सैम्पल हो ना वो ट्रूली रिप्रेजेंट ना कर रहा हो एंटायर पॉपुलेशन को। फॉर एग्जांपल आपने पूरे सिटी के ऊपर स्टडी करनी थी, उस पूरे सिटी से डेटा कलेक्ट करना था, लेकिन किसी वजह से रिसर्चर पूरी सिटी से डेटा कलेक्ट नहीं कर पाया, उसने सिर्फ उन्हीं लोगों से डेटा कलेक्ट किया जो कि उसके नियरेस्ट अवेलेबल थे, तो इससे क्या होगा कि जो उसके पास सैंपल आएगा ना वो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बायसनेस आ जाएगी, सैंपलिंग बायस आ जाएगा, आपके जो रिजल्ट्स होंगे ना उनको आप इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपका सैंपल ही ठीक नहीं है, और जब आपका सैंपल ठीक नहीं है तो आपके जो रिजल्ट्स के आपके जो रिसर्च के रिजल्ट्स होंगे वो भी वैलिड नहीं होंगे। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं।